नस्ल जो होता है ना इसके साथ भाई झगड़ा करता है। हर दफा इसको मैं समझाता हूँ कि झगड़ा इसके साथ नहीं करो नहीं करो, ये बार बार करता है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। तो कैसे हो भाई, सुबह सुबह नींद से जब के उठ गए हो ना, तो पाम हाउस पे आ गए हो तो बहुत नींद आ रही है, लेकिन आपको वीडियो भी दिखाऊंगा, तो वॉइस ओवर में लास्ट में करता हूँ, क्योंकि भाई मुझे इस तरह वॉइस ओवर पसंद नहीं है जब मैं करता हूँ। को भाई जब सारे पाम हाउस में जो आता हूँ ना, पाम हाउस तो मेरे ख्याल में अच्छा नहीं है, अच्छा हो जाएगा लेकिन टाइम लगेगा। टाइम के लिए आपने भाई लाइक ठोकना है और सब्सक्राइब ठोकना है, इसलिए भाई बिल्कुल दांदी नहीं करनी है, जाकर भाई लाइक और सब्सक्राइब मार दो, जाके यूट्यूब चैनल पे भी सपोर्ट दिखाओ कि भाई हम पाम हाउस को अपडेट करें। और वरने के बाद तो बाद में वरना वरना इसको नहीं कहते भाई, इंशाल्लाह इसको मैं अपडेट कर दूंगा, लेकिन थोड़ी थोड़ी देर बाद इंशाल्लाह टिकटॉक में भी इसी तरह कंटेंट लाता रहूँगा और यूट्यूब पर भी। तो आपने बिल्कुल सही समझा है, तो मैंने आपको भाई देखा है ये जो मेरे साथ अभी मुर्गी है, बतख है, ये जो चाइनीज़ बतख है ये मेरे पास है। तो मेरे पास जो दो जोड़े, ठीक है, दो एक है और दो और है, चार है। इस बतख का नस्ल जो है बहुत असली है, जब ये ग्रो करेगा तो मैं आपको भी दिखाऊंगा। तो इसलिए भाई मैंने इसको थोड़ा गंदम वगैरह डाल दिया है, तो भाई इंशाल्लाह इंशाल्लाह इसी के बाद नया नया अपडेट मैं सारी वीडियो में देते रहूँगा, क्योंकि आपने सबसे लाइक करना है और असली असली नस्ल में भी इसको आपको बताऊँगा, क्योंकि आपने सपोर्ट करना है और लाइक करना है, कमेंट करना है, अच्छी अच्छी कमेंट करना है, ठीक है। तो लास्ट में मैं आपको इस नस्ल के बारे में बताऊंगा, क्योंकि मेरे पास बहुत अच्छी अच्छी नस्ल है, इसके जो ग्रो करेगा तो मैं आपको सारी दिखाऊंगा इंशाल्लाह। इस पाम हाउस को भाई इधर से उठाएंगे तो इंशाल्लाह बिल्कुल साफ सुथरा। ये जो अभी आप खरगोश देख रहे हैं, इसके साथ एक मादा है और एक जो नस्ल है बहुत अच्छी नस्ल है, ग्रैंड करेगा तो मैं आपको दिखाऊँगा जो के इसके जो साथ है। तो यूट्यूब पर बहुत वीडियो तो लंबी नहीं होनी चाहिए, मेरे ख्याल में 2 से 3 मिनट तक वीडियो आती है, तो सारी वीडियो फुल देखो और एंजॉय करो। तो मैं इंशाल्लाह ऐसे ऐसे ट्रिक आपको बताऊंगा, क्योंकि भाई आपने सबसे ग्रो करना है इंशाल्लाह इंशाल्लाह, क्योंकि भाई अच्छी अच्छी तरीके से मैं चीज़ आपको दिखाऊंगा कि ये नस्ल है, ये नस्ल है। मेरे ख्याल में मैंने अभी स्टार्ट किया है, तो इंशाल्लाह बाद में आपको दिखाऊंगा, अभी नहीं दिखा रहा हूँ, क्योंकि मैंने वीडियो जो अपलोड किए है तो भाई असली नस्ल और देसी नस्ल में जो फ़र्क होता है, इसके साथ जो दो नस्ल असल होता है जो मुर्गी का है, क्योंकि इसमें मेरे ख्याल में एक मियाँवाली नस्ल है और एक ओरिजिनल जो नस्ल होता है इसका जो नस्ल होता है फिशौरी और एक होता है जावा। तो इंशाल्लाह मैं इसी अपडेट पे आपके बात करता रहूँगा। अगर आपने भाई इस चैनल को ऊपर लेकर आया तो मैं इंशाल्लाह इंशाल्लाह नया नया अपडेट आपको दिखाऊंगा, सरप्राइज़ देता रहूँगा, जिसके भाई लाइक करना है और सब्सक्राइब करना है। तो और बात मैं नहीं कर सकता क्योंकि भाई वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, तो मैं इसके लिए भाई सबसे पहले जो होता है ना, इसके जो पानी भरना होता है सुबह से लेकर शाम तक, इस पानी को भाई इसने वो खाता है, तो फिर इसके बाद जो खुराक इसका होता है तो मैं भी ये सीधा कर रहा हूँ, सारा कुछ करता हूँ सुबह, तो फिर शॉप पे आ जाता हूँ और वीडियो जुम्मे के दिन। भाई ये चाइना बतख जो होता है ना बहुत अच्छी है, लेकिन इसके साथ झगड़ा करता है, बार बार इसके साथ झगड़ा करता है। तो इसी नस्ल पे मैं बात करते वाला हूँ, क्योंकि हम ये चेंज करेंगे, इसके जगह भी चेंज करेंगे इस बतख का, और मेरे ख्याल में रैबिट का भी जगह चेंज करने वाला है। तो इसे मेरे ख्याल में ये एक जगह है, तो मैं अकेला हूँ, मेरा भाई भी उठ के जुम्मे के दिन इंशाल्लाह सब के सब कुछ करते हैं, ठीक है, इस बतख के जगह भी चेंज कर देंगे और रैबिट का भी चेंज करेंगे, और मुर्गी जो है मुर्गी का दो अपना जगह है, और इंशाल्लाह जो दूसरी कमरा है इसका साथ हम थोड़ा फेरेट ले लेंगे और इसके साथ जाल वगैरह, क्योंकि हमको जाल चाहिए इसके लिए कि भाई फेरेट भाग ना सके, क्योंकि इस जगह जो 2-3 कमरे होता है, ये एक ये होता है, ठीक है, इसके बाद जो कमरे होता है इसके बाद इंशाल्लाह हम करेंगे।
अगर किसी के पास भाई असली नस्ल होता है तो हमें कमेंट करो, हम इंशाल्लाह इंशाल्लाह उससे ले लेंगे। अगर गिफ्ट करने चाहते हो तो बहुत बेहतरीन है, तो हमको कॉन्टेक्ट नंबर भी सेंड करो और मैं भी आपको सेंड करता हूँ। कमेंट में बताओ अगर किसी के पास असली नस्ल होता है, इसके बाद अगर फेरेट का होता है या कोई और चीज़ का होता है, रेबिट का होता है या मेरे ख्याल में बतख का, या जो ये मुर्गी होता है इसके साथ जो असली नस्ल होता है मियावाली या जावा, कोई भी नस्ल होता है, तो भाई कमेंट सेक्शन में हमको ज़रूर बताना। अपनी बहुत सारी ख्याल रखना। थैंक यू सो मच एंड ऑल ऑफ यू जो भी मेरे वीडियो देखता है, इसके लिए थैंक यू सो मच। ठीक है, बार बार मेरे ख्याल में